बुधवार को बिहार के गया में परिवार नियोजन जागरूकता रथ को गया डीएम अभिषेक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवार नियोजन रथ गया शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं सभी वार्डों में जन संदेश लेकर जाएगा। इस संदर्भ में गया डीएम अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि परिवार नियोजन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और यह लंबा कैंपेन जनवरी से मार्च तक चलेगा और सभी ब्लॉक में दो दो रथ रवाना किए जाएंगे। डीएम ने लोगों से अनुरोध किया है कि जितनी भी तरह की अवधारणाएं परिवार नियोजन को लेकर है उनसे इस जागरूकता रथ के माध्यम से बताया जाएगा और खास करके बिहार के गया जिले में बहुत ही आवश्यक से अभियान चला आ रहा है और इसी के साथ ये लंबा कैंपेन चलेगा, जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा इसमें, और इसमें सभी ब्लॉक में भी दो दो रथ रवाना किए जा रहे हैं। और जो VHND डेज होते हैं हमारे, जिस दिन वैक्सीनेशन और बाकी काम होता है हम लोगों का और पोषण का भी देखा जाता है, उस दिन भी ये रथ चलेंगे और उस दिन लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि जितनी भी तरह की अवधारणाएं हैं परिवार नियोजन को लेके उसको इसमें इस जागरूकता रथ के माध्यम से उनको बताया जाएगा। और पुनः खासकर ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में और गया के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग जी सकते हैं और बच्चों का जो एक बेहतर भविष्य तय कर सकते हैं परिवार नियोजन करने के बाद, क्योंकि अगर कम बच्चे होंगे तो हम लोग ज़्यादा बेहतर अपना रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं उनके ऊपर, उनको बेहतर भविष्य दे सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। और मैं सबसे अनुरोध होगा और खासकर जो नया जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो नौ दंपति हैं या एक जिनका संतान है, उसको फॉलो करें और अपना और अपने जो बच्चों का भविष्य को उज्ज्वल करें।